नियोजन नीति के मसले पर राज्य सरकार पसोपेश में है। बेरोजगार युवाओं ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। सोशल मीडिया ट्विटर पर 10 मार्च को बेरोजगार युवाओं ने 60-40 नए चलतों को लेकर जबरदस्त कैंपेन चलाया। करीब 4 लाख ट्वीट के साथ इस हैशटैग को इतना ट्रेंड किया गया कि ट्विटर पर टॉप 10 में इसे जगह मिली। नियोजन नीति के मसले पर ही रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ महागठबंधन के कैंडिडेट की हार को एक अहम फैक्टर बताया गया। इधर कल तक 1932 के खतियान और इस पर आधारित नियोजन नीति की सरकार की चाल से हलकान रही भाजपा और आजसू पार्टी को भी अब तगड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी अपनी ही सरकार को सदन में नियोजन नीति को लेकर घेर कर स्थिति पैदा कर दी है। कहा जा सकता है कि यह नीति सरकार के लिए जी का जंजाल बनती दिख रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति ही सही है। राज्य सरकार द्वारा इस नीति को लेकर एक रिकॉर्डेड ऑडियो कॉल किया गया। इसमें पूरे राज्य के 73% युवाओं ने 2016 से पूर्व की नियोजन नीति को लागू करने पर अपनी सहमति दी है, पर यह सर्वे फर्जी है। झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नियोजन नीति पर सरकार को घेरा था। कहा कि ये सदन से 1932 आधारित स्थानीय पारित की गई थी। अभी जो कैबिनेट में नियोजन नीति आई है वह 2016 वाली नीति है। सीएम हेमंत को बताना चाहिए कि 1932 पर सरकार बैकफुट पर क्यों आई है। यह लोगों के साथ धोखा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।